हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बहुत आसान है, चलिए करते हैं। फिर क्रोम पर चले, यहाँ पे हम सर्च करेंगे ज़ाम्प। ज़ाम्प ये जो पहली वेबसाइट है, डाउनलोड ज़ाम्प www.apachefriend.org, क्लिक करो डाउनलोड। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ऊपर हो गया। अब हम चलेंगे इसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड, यस, अब ये होगा इंस्टॉल। अभी डाउनलोड किया था, अब हो रहा है इंस्टॉल। ओके करेंगे इसको। नेक्स्ट 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 हो गया, फिनिश। अब देखिए, ज़ाम की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो ऑप्शन है ना, अपाचे और MySQL, आप इनको स्टार्ट कर दीजिए। ये होने ही चाहिए स्टार्ट। अगर कभी आप धोखे से लैपटॉप जैसे रिस्टार्ट करेंगे, तो रिस्टार्ट करने के बाद जब आप फिर से लैपटॉप ऑन करेंगे, तब यहाँ पर आ करके एक बार ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये अगर ऑन है तो ही आपकी वेबसाइट खुलेगी, वरना नहीं खुलेगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे wordpress.org डाउनलोड करने, है ना। इसको पहले हटाते हैं खोपड़ी से। wordpress.org ये देखिए है हमारा सुंदर सा गेट वर्डप्रेस। यहाँ से दोस्तों हम लोग डाउनलोड करेंगे वर्डप्रेस। क्लिक करते हैं इसमें, ये देखिए हो रहा है, हो गया। अब हम चलेंगे फाइल में, ये देखिए ये इंस्टॉल, ये डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, ठीक। ये देखिए हो रहा है। हो गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक। कंट्रोल एक्स दबाकर हो गया ना। अब हम चलेंगे दिस पीसी में, ज़ाम्प फोल्डर में जाएंगे। अब हम इसमें ढूंढेंगे एच टी डॉक्स। ये देखिए htdocs। अब इसमें हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी दबा के। ये देखिए वर्डप्रेस है ना। अब हम इसको रीनेम कर देंगे, जो भी आपको रीनेम करना हो कर देंगे। यहाँ पे मैं डालता हूँ वेब साइट 4, ठीक है ना। ये मैं 4 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने 3 बना बना के टेस्टिंग के लिए मैंने सीखा है। अब देखिए दोस्तों, अब हम जाएंगे क्रोम में, यहाँ सर्च करेंगे हम लोकल होस्ट
लोकल होस्ट PHP, ये देखिए लोकल होस्ट PHP माई एडमिन है ना, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, इस पर क्लिक करेंगे। अब हम दोस्तों आपको पता है हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमको इसका डेटाबेस बनाना है। यह अब देखिए ये जो डेटाबेस है यहाँ पे, जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे अपना डेटाबेस तब तक आपकी वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो डेटाबेस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नाम रखेंगे, मैंने क्या रिनेम किया था, वेबसाइट फोर। अब हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है, क्रिएट हो गया, ये देखिए वेबसाइट फोर। अब हम यहाँ से निकले, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चल के कि सर्वर ऑन है कि नहीं, यस ग्रीन है ना, जब दोनों ग्रीन हो इसका मतलब ऑन है। अब हम यहाँ सर्च करेंगे लोकल होस्ट / वेब साइट 4, एंटर। ये देखिए हमारा वर्डप्रेस आ गया, एडमिन, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लेट्स गो। अब देखिए डेटाबेस नेम हमने क्या बनाया था, वेबसाइट 4। अब देखिए यूजर नेम हमेशा इसमें रूट होता है, रूट। वन मिनट, मैंने एंटर पहले ही कर दिया। तो यूजर नेम हमेशा रूट होता है और पासवर्ड हमेशा खाली रहता है, ब्लैंक। ओके, डेटाबेस होस्ट ये तो लोकली होस्ट है तो ये हमेशा यही रहेगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन। ये देखो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। साइट टाइटल, देखो ये लोकल होस्ट है, इस पर आपको सिर्फ टेस्टिंग करना है, तो कुछ भी डाल दीजिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम प्रज्वल, यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, टेस्टिंग के लिए है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी डाल दें। ये यहाँ मैं डाल देता हूँ ABCD है ना। पासवर्ड देखिए, जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे ऐसा ही पासवर्ड डालिएगा, मतलब ऐसा ही है ना। तो अभी के लिए हम यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ठीक है, चलिए इसको हम पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं। ओके, पता नहीं मैंने क्या डाला है, योर ईमेल, ईमेल डालते हैं। अब देखिए सर्च इंजन विजिबिलिटी, अगर हम इसको क्लिक कर देंगे ना तो फिर आप ब्राउजर पे देख नहीं पाएंगे अपनी साइट को, इसलिए इंस्टॉल वर्डप्रेस। यूज़र नेम, पहले हम इसको सेव करें, पासवर्ड को, यूज़र नेम ABCD डाला था, पासवर्ड योर चूज पासवर्ड, लॉगिन। ये देखिए हमारा वर्डप्रेस आ गया है, जो हमने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर आ गया, सेव हो चुका है, लॉगिन है सन। ये देखिए, तो दोस्तों हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अब आप यहाँ पर कस्टमाइज करिए, पेजेस बनाइए, कमेंट्स
पेजेस बनाइए और पोस्ट लिखिए, प्लगइन्स इंस्टॉल करिए, सब कुछ करिए, कोना कोना छान मारिए। यहाँ पे आपको सिर्फ सीखना है। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सीखता हूँ और जो मेरा प्रोफेशनल वेबसाइट है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। यह मेरा वर्डप्रेस, ये देखिए। मैं लिरिक्स वेबसाइट चलाता हूँ singwithprajul.com से, singwithprajul.com के नाम से मेरी वेबसाइट है। तो दोस्तों उसको हम हटाते हैं, हम पहले यहीं टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर जाके काम करते हैं। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं, ठीक। टेस्टिंग के लिए आप इसको इंस्टॉल करेंगे लोकल होस्ट पे। अब यहाँ पर खूब टेस्टिंग करिए, खूब वेबसाइट वर्डप्रेस के कोना कोना छान मारिए, ठीक, फिर देखिए कमाल। दोस्तों अगला वीडियो आपको कौन सी चाहिए, किस टाइप की चाहिए कमेंट में बताएं, ठीक। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।